नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी। आज हमारे साथ है स्टॉल नंबर, आज हमें 759 स्टॉल नंबर पे जो जूट का क्राफ्ट है, जो जूट का बैग्स हैं वो आपको देख रहे होंगे और इनसे जानते हैं तो इनके मतलब कि जूट है क्या। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। जूट के बारे में बात करें, जूट है क्या सर? जूट जो है ना, कपास है। जो कपास की खेती कलकत्ता में होती है उससे एक एक धागा बीन के उससे जूट तैयार किया जाता है। जूट के बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे जूट झोला, सोफा कवर, फ्रिज कवर, बैग, जूट बॉल हैंगिंग, घर के डेकोरेट का भी सामान जूट से बनाया जाता है। जूट सर आज के लिए और आने वाले कल के लिए भी बहुत अच्छा स्कीम है। जूट से हमें ये फ़ायदा है सर कि जूट हम नॉन वोवन वो पॉलीबैग, रेगजीन ये यूज़ करते हैं, वो सर क्या होता है, वो ख़राब होने के बाद वो गलते नहीं हैं। मगर ये जूट जो है ना सर, इसको जब हम यूज़ कर लेते हैं, जब ये बेस्ट ख़राब हो जाता है, इसको हम मिट्टी में जब गाड़ देते हैं, ये खाद का रूप ले लेता है। जूट की हम क्वालिटी की बात करें, क्या क्वालिटी है, जूट सर क्यों खरीदें? जूट सर क्वालिटी है कि जूट सर कई प्रकार के आते हैं। जूट लाइट वेट भी होती है और पॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। सूरजकुंड मेले का चौथा दिन है जैसे जी, तो लगभग आप कितने का माल लेके सर? हमने समथिंग 2.5 लाख का माल ले गए हैं सर। अब तक हमारे 10,000 भी सेल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि सर यहाँ पे टिकट बहुत महंगे हैं। हर अच्छे परिवार के लोग ही आते हैं, लो तबके के लोग नहीं आ सकते। अगर वो 4% आते हैं, 4% लोग आएंगे भी तो एक ही बार आएंगे, दोबारा वो आने की कोशिश नहीं, क्योंकि 4% आते हैं तो 500 रुपये टिकट में चल जाते हैं। 2,000 आदमी लेके चलता है, 500 रुपये खाने में पैसे खत्म हो जाते हैं, परचेजिंग कहाँ से करेंगे? शाम तक लगवा देंगे, तो इन बच्चों का ध्यान रखना। अरे हम शाम तक लगवा के शाम तक भिजवाऊंगा। ठीक है।